Turn around, please. बस आगे यहाँ भी क्या होगा देखिए, इससे अच्छा घर से ना ही नहा कर आते। अच्छा सॉरी, ये क्या है दीदी? ये ऑक्सीमीटर है, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। मेरा ऑक्सीजन लेवल है 94। मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, मोटापे से कुछ नहीं होता, फिट हूँ मैं। ठीक है, मैं सब चीजें घर से करती है। आज हमारा फर्स्ट डे है द कपिल शर्मा शो का। ये देखिए, पूरे सेफ्टी के ध्यान दिए जा रहे हैं। नरगिस, अच्छा लग रहा है? जी, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है। आज हमारा फर्स्ट डे है द कपिल शर्मा शो का। ये देखिए, पूरे सेफ्टी के ध्यान दिए जा रहे हैं। नरगिस, अच्छा लग रहा है? जी, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है। गुड गुड हर्ष, आप कैसे हो? नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे? नमस्ते वस्ते कोई नहीं, हम लाइव कर रहे हैं, तुम जाके पीछे सफाई वगैरह देखो और फिर आप आ जाओ। हर्ष मैं आ रहा हूँ, बर्तन वर्तन करके, बर्तन पोछ के लगाने हैं, जाओ। हाँ, और भाई एक गाना तो सुना दो। भारती एक बात बता, सही सही हाजी में जाग अपनी जगह, तू सच में अपने हस्बैंड से बहुत काम करवाती है, बता। ओके, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इस समय अपने ही अपनों के काम आते हैं अपने तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन अच्छा ये चीज अच्छी होगी। मैं आलू वाला कुलचा, आलू वाले कुलचे की याद नहीं आ रही? मोनू का आलू वाला कुलचा, क्रिस्पी और ऐसे बटर डाल के, बटर ऐसे फैल जाए। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं आपको भी सिखाता हूँ भारती, कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि जिन चीजों को मैं बदल ना सकूं उन्हें स्वीकार कर लूं। तो अब मैं नहीं खा सकता हूं, आई नो, कोई भी ऐसी चीजें, अमृतसर के कुलचे, तो अभी मैं फिर मैं याद ही नहीं करता हूं उस चीज को। और जैसे ही सब माहौल ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा पंजाब और मैं दबा के कुलचे खाऊंगा। बिल्कुल, मैं भी जैसे ही ये माहौल ठीक हो जाएगा, मैंने अमृतसर जाना है, अपने घर वालों को मिलना और कुलचे और लॉरेंस रोड जाके काना की पूड़ियां खानी है, जो आलू की सब्जी देते हैं और साथ में चने देते हैं और खट्टे प्याज देते हैं। शाबाश, पानी आपके भी सारी उम्र हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भारती, तू सारी उम्र वहां पे, तूने पूरा अपना बचपन बिताया है, कॉलेज तेरा वहीं पे था जहां पे पूड़ियां मिलती हैं उसके सामने, अभी भी कोई कमी रह गई है कोई पूड़ियां खाने में जो तूने अभी भी खानी है जाके वहां पे? रह गई है भाई, रह गई है। मैंने सोच लिया हुआ, मैंने जाते लैंड करते पहले मोनू का कुलचा, फिर मैंने अगले दिन दोपहर को केसर ढाबे में रोटी खानी है, फिर अगले दिन मैंने काना की पूड़ियां खानी है और साथ में गुड़ वाला हलवा जो ऐसे डोने में देते हैं, और खट्टे प्याज और आलू, एक बाइट लेनी है आलू, फिर उसमें थोड़े चने लगा लेने। ऐसे करके खानी है पूड़ियां। पानी आपके मुंह में आ चुका है। देखो भारती, देख, एक महीना खाने पीने की कोई बात नहीं होगी हम लोगों को। और मैं एक और बात शेयर करनी है भारती, आज तेरे अकाउंट से हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो अभी ना न्यूज में आ रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो पेट्स हैं वो उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, ये सोच के कि उनको लगता है कि कोरोना वायरस उनसे भी फैलता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर में दो पेट्स हैं, मेरे घर में दो पेट्स हैं। और भारती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि आप घूमने फिरने की बहुत शौकीन हैं और आप घर पे टिक के बैठ नहीं सकती, आपके पेरेंट्स ने भी बड़ी कोशिश की बचपन में आपको बांध के रखने की, आप नहीं मानी, तो अब आपको कैसा लग रहा है? आप इतने दिनों से घर पे हैं, मेरा घर आपके घर के ज्यादा दूर नहीं है और आप अक्सर ही आ जाया करती थी पहले घूमने फिरने, सैर करते, अब आप 15 दिन से नहीं आई हैं,
तो कैसा लग रहा है आपको? आई वॉन्ट टू नो, मैं सब सब जनता को चाहता हूँ कि वो भी सुने कि भारती सिंह कैसे अपने घर पे रह रही हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है अभी ऐसे हालात हो गए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना। और पर एनीवेज जोक्स अपार्ट, ये इस समय घर पे रहना ही जो है वही सेफ है, वही सुरक्षित है सबके लिए, वही सही है। और इस समय मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग यू भारती, आई नो यू आर डूइंग योर बिट, इस समय फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, और इस समय सबसे जरूरी जो है और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उन लोगों को आ रही है जो बेचारे डेली कमाते हैं और डेली खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन लोगों के लिए इस समय बहुत मुश्किल है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा नहीं तो अपने एरिया में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग में काम करना